नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना किचन टूर और मैंने अपने कैसे किचन को ऑर्गेनाइज करके रखा है, अपडेटेड किचन टूर। बेसिकली ये कोई मेकओवर वीडियो नहीं है, मैं एक बार मेकओवर कर चुकी हूँ बट मेरे किचन में बहुत स्कोप नहीं है मेकओवर करने के लिए। तो वो जो एक मेकओवर था उसमें कुछ अपडेट्स किए हैं मैंने, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। काफी सारे रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास किचन टूर के लिए, सो इसलिए मैं अपना किचन टूर देने वाली हूँ। जो लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं उनको मैं कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। दैट आई एम लिविंग इन मुंबई और ये मेरा 1 BHK अपार्टमेंट है, ये रेंटेड अपार्टमेंट है और इसमें मैं लास्ट 3 साल से रह रही हूँ। लिविंग रूम मेकओवर, बेडरूम मेकओवर, सब मेकओवर्स बना चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक माय, आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे होम डेकोरेशन या होम मेकओवर वीडियोस चेक आउट कर सकते हैं। सो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दिस इज़ माई किचन बेसिकली। यहाँ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे लेफ्ट से मैं गेट पर खड़ी हूँ, मेरे लेफ्ट से ये स्टार्ट होता है और ये है पूरा टूर, यहाँ राइट पर आकर के ख़त्म हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले तो इस तरफ से। तो ये जो आप रैक देख रहे हैं ये न्यू एडिशन है, पहले ऐड नहीं थी किचन में। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 लोग रहते हैं और हमारे पास स्टोरेज के लिए, ग्रोसरी स्टोरेज के लिए हमारे पास सिर्फ ये वाला कंटेनर है। बट क्योंकि अभी काफ़ी सारा सामान स्टोर करना पड़ता था तो हमारे पास जगह कम पड़ रही थी, तो हमने इसको एक्चुअली ये मेरे पहले मेकअप के लिए मैं यूज़ करती थी इस रैक को, बट अब इसको निकाल दिया है। मल्टीपर्पज रैक है, इसको हम खोल के पूरा बंद करके रख देते हैं, बट अभी हमने इसको निकाला है और इसके अंदर कुछ है जैसे कि ये बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं, देन यहाँ पर थोड़ा सा पल्सेस एंड कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, देन यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं और इसमें आते हैं तो यहाँ पर सारे पोटैटोज हैं और सबसे नीचे वाले में आएंगे तो यहाँ पर सारे अनियंस रखे हुए हैं। इसके ऊपर मेरा फूड प्रोसेसर है जिसका कनेक्शन यहीं ऊपर से ही लेती हूँ मैं और बहुत ही अच्छा फूड प्रोसेसर है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा है, क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो आप वो चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर तो जस्ट फूड प्रोसेसर रखा है, ऊपर मैंने ये हेलो सनशाइन DIY है वो लगाया है एंड यहाँ पर बैम्बू और यहाँ पर मनी प्लांट ऐड कर दिया है। उसके राइट हैंड साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टाइल्स एरिया मिलेगा और एक मतलब इस तरह से रैक्स हमने लगा करके रखी हैं, तो ये हमने ही लगाया हुआ है। यहाँ पर आएंगे तो आपको सारे मसाले दिखेंगे, ये सब खड़े गर्म मसाले रखे हुए हैं। यहाँ सेकंड वाले पे मैंने शुगर, सॉल्ट एंड थोड़े बहुत मसाले रखे हैं। ये शुगर में हल्का सा ब्राउन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर मिक्स्ड है। और उसके नीचे वाले में आएंगे तो जो डेली के यूज़ वाले होते हैं ना, लाइक हल्दी, मिर्ची, जीरा, उसके बाद राई, ये सब रखा हुआ है। और उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक मैश लगाया हुआ है जिसको मैंने कोई नेल से फिक्स नहीं किया है। ये हमने जो आप मॉल्स में जाते हो तो आपने देखा होगा ना, आपके बैग्स को टाई कर दिया जाता है, वो हमने यूज़ करके इसको हैंग कर दिया है और काफ़ी स्टर्डी तरीके से ये हैंग है। और वहां पर ऐसे कंटेनर्स लगाए हुए हैं, ये कप है नॉर्मल और ये भी पता नहीं क्या बास्केट है, मुझे भी याद नहीं है किसकी बास्केट है, बट ये नॉर्मल सी बास्केट है। और यहाँ पर सारे स्पून्स, नाइफ और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब काफ़ी अच्छा तरीका है। आप चाहें तो पूरी पूरी इस तरह की शेल्फ बना सकते हैं अगर ये सब आपको ना लगाना हो तो, और उसमें आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। देन यहाँ पर नॉर्मल कॉफ़ी बॉक्स है, देन लाल मिर्ची है एंड ये हमारा मल्टीविटामिन एंड ये विटामिन सी जो हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में ये जैगरी पाउडर है और ये नॉर्मल ऑर्गेनिक इंडिया की टी है, और यहाँ पर आएंगे तो ये चाय पत्ती है, ये रखा हुआ है सिंपल सा, ये शादी हुई थी उससे पहले ही ले लिया था। मेरा काफ़ी मन था इसको चेंज करने का बट फिर मुझे लगा कि अभी सही चल रहा है तो उसको चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, काफ़ी रफ एंड टफ गैस है ये। फिर आते हैं यहाँ पर स्टैंड है, ये विंडो दिया हुआ है बड़ा सा। तो यहाँ पर एक ट्रे रखी हुई है जिसमें एक स्नेक प्लांट रखा हुआ है, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है इसलिए स्नेक प्लांट को मैंने यहाँ रखा है। ये ऑयल है जो हम यूज़ कर चुके थे एक बार, उसको थोड़ा सा मैं रीयूज़ करती हूँ एक और बार, तो वहाँ उसके लिए रखा है। ये दही जो हमने के लिए रखा हुआ है, और एक और प्लांटर यहाँ पे रखा है, तो ये जस्ट DIY प्लांटर है, यहाँ पर भी स्नेक प्लांट लगा हुआ है। देन आते हैं इधर तरफ, यहाँ पर
नॉर्मल सा स्टफ, बर्तन वर्तन मांजने का, सब बर्तन साफ करने का स्टफ है। देन उसके ऊपर एक और मैंने छोटा सा मनी प्लांट लगा करके रखा हुआ है और वो बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है। फिर आते हैं यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में, तो ये मैंने अपने अमेजन हॉल में दिखाया था मैंने कहाँ से लिया है। काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पर बॉटल्स रखी हैं, ये हमारा किचन टाल है और ये जो कपड़ा हम नॉर्मल पोंछते हैं गैस वगैरह वो रखा हुआ है वहाँ पर। हमारा ऑयल डिस्पेंसर रखा हुआ है, देन स्पैचुला और जो बड़े वाले नाइफ्स होते हैं वो उसके लिए रखा हुआ है। देन अगेन बॉटल्स हैं और पीछे एक ग्लास की बॉटल है और एक ग्लास का जग है, तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती है। अब आते हैं इसके नीचे वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लगा करके रखा हुआ है। ये मैंने अमेजन से परचेस किया था, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर छोटे मोटे जो बर्तन हैं वो अंदर आ जाते हैं, आपको बताऊँगी नहीं क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे ही भरा हुआ है सब कुछ। कुछ चीज़ें आपको किचन में ऐसी दिखेंगी जिसमें रस्ट लगा हुआ होगा या वो ऐसा होगा जो मुझसे शायद क्लीन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत ट्राई किया है क्लीन करने का। ये जो घर है ये 18 ईयर्स पुराना घर है और यहाँ का फर्नीचर भी काफ़ी पुराना है, काफ़ी सारे लोग इसमें रह चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी रेंटेड अपार्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स हैं अपने अपने, तो कॉन एक बहुत बड़ा ये है कि जितना मैं क्लीन कर सकती थी उतना मैंने काफ़ी हद तक क्लीन किया है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो जैसे ये प्लाईवुड है काफ़ी पुरानी है तो कुछ जगह आपको येलो येलो सा दिखेगा, वो क्लीन नहीं हुआ मुझसे, एंड कुछ तो हमने काफ़ी कुछ मेकओवर कर दिया है ऑलरेडी। देन आते हैं इस सेक्शन में, तो यहाँ पर ऊपर बॉक्सेस दिए हुए कंटेनर्स हैं एंड यहाँ पर आएंगे तो ये हम लोगों ने परचेस किया हुआ है। बताती हूँ क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर आटा रखती हूँ मैं, डेली वाला आटा है, चकोटा है, एंड देन यहाँ पर हमारी पूरी क्रॉकरी रखी हुई है, मतलब ग्लास का जो भी सामान है वो सब इसमें रखा हुआ है। जैसे बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं पीछे ग्लास के, एंड ये क्रॉकरी है, स्पूनस एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, ग्लासेस हैं पैकेट में, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आइसक्रीम बाउल्स हैं, अलग अलग बाउल्स जो हैं जितना भी। नेक्स्ट कंटेनर में यहाँ पर हमारा छोटा सा वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ है, ये पूरा इसमें फिट आ जाता है बहुत आराम से, और इसमें माइक्रोवेव हैंड ग्लव हो गया, उसके बाद एंड यहाँ पर एप्रन्स रखे हुए हैं, तो ये सारे, एंड उसके ऊपर यहाँ पर माइक्रोवेव है और ये एक मेरा पिलो कवर था जिसे यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर माइक्रोवेव है। फिर उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सैंडविच मेकर है और ग्रिलर आप इसको बोल सकते हो, तो ग्रिलर रखा हुआ है, एंड ये जो है ये आइस मेकर है, मूवेबल आइस मेकर है, तो उन्होंने हमारे फ्रीज़र को भी फ्रिज बना करके रखा हुआ है, वी डोंट यूज़ एज अ फ्रीज़र, तो इसलिए इसको बाहर निकाल के रख दिया है, अंदर जगह खाली हो गया है। एंड ऊपर आते हैं तो ये हम लोगों का मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर है, और यहाँ पर ऐसी ये नॉर्मल ग्रिलर आप प्लेट बोल सकते हो माइक्रोवेव की है, जिसके ऊपर यहाँ पर ऐसे प्लांट से मैंने डेकोरेट कर दिया है, तो ये स्नेक प्लांट है, बहुत इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है, ये फेक प्लांट है, और ये वाला मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, तो ये प्लांट है, तो ये वाली जगह हमारी ऐसे हो चुकी है। अब मैं आपको ऊपर वाला सेक्शन जो है वो ओपन करके दिखाती हूँ, जो मैंने कभी नहीं दिखाया कि इसके अंदर क्या है। इस तरह से बॉक्स है, देन यहाँ पर राइस है, ये खड़ा धना है, मूंग दाल हो गई, फिर पंजाबी मसाला, जीरा, एंड ब्राउन राइस है, और चीज़ें रखी हुई हैं। ये सब प्लास्टिक के ही कंटेनर्स हैं क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी पहले से थे, एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो इसको मुझे फेंकना सही नहीं लगा, तो मैं इसी को कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। जो जो मैं हटा सकती थी, जो बिल्कुल गई गुजरी हालत में था, उनको ही मैंने चेंज किया है। सेक्शन में आप आओगे तो वहाँ पर नॉर्मल ये प्रोटीन पाउडर रखा हुआ है, हमने सारा स्टोरेज करके रखा हुआ है, जैसे दाल कुछ 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 स्टोरेज आपको दिख रहा है ना, पल्सेस स्टोर करके रखी हुई हैं, तो इसको मैं लगा देती हूँ। अब आते हैं ये साइड वाले सेक्शन में, सेक्शन में पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप्स हो गए, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पर सब हैंड वॉशेज रखे हुए हैं, पर जो पिसा हुआ मसाला होता है ना, जैसे कि एवरेस्ट का ये मसाला, वो मसाला जो हम घर से लाते हैं, वो सब इन दोनों में रखा हुआ है, तो ये वहाँ पर रखा है। एंड ऊपर वाले सेक्शन में आप आएंगे तो जो हमारा फूड प्रोसेसर है उसके जार्स रखे हुए हैं तीन, इस तरफ ऐसी रैंडम स्टफ़ है, जैसे शुगर हो गई एक्स्ट्रा, बहुत रैंडम स्टफ़ है वहाँ पर, पेपर रोल रखा हुआ है, नीचे आइसक्रीम कंटेनर रखे हुए हैं, आइसक्रीम बाउल्स रखे हुए हैं, तो ऐसे बहुत ही रैंडम सा स्टफ़ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेज है वो सारी हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखी है, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर किचन टॉवल्स हैं, किचन के जो भी कपड़े हैं जो यूज़ होते हैं, किचन के जो भी कपड़े हैं वो यूज़ होते हैं वो इसके अंदर है। ये फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर मैंने ऐसे अपना टाइम टेबल लगा के रखा है, जैसे मंडे को क्या बनना है, ट्यूजडे को, वेनसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और क्या क्या सामान लाना है जो ख़त्म हो जाता है वो मैं इसी हाथ की हाथ यहाँ पर इससे लिखती जाती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का हैंडी सा है, तो ये एक लेकर के रखा हुआ है। फिर हमारा जो फ्रिज है वो सैमसंग का, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो अंदर कैसा है टूर वो सब मैं दे चुकी हूँ। नाउ कमिंग टू दिस साइड,
यहाँ पर ये एक और हमारा पैंट्री एरिया बोल सकते हो वो है, और इसके साइड में ऐसे हमने हुक्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पर हमारे जो भी ग्रॉसरी बैग्स हैं वो सब इसके अंदर रहते हैं। काफ़ी सारे ग्रॉसरी बैग्स हैं कपड़े वाले, अब तो इनको ही संभाल के रखते हैं और इसी को यूज़ करते हैं, तो वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर हमारे भगवान हैं, तो भगवान के साइड में पहले ये नहीं था, तो ये जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं ना ये इसी का पार्ट है। ऐसे मेरे पास अभी 4 और रखे हुए हैं कंटेनर्स कि मैं बना सकती हूँ, तो इनमें हमने पूरा सामान रख के रखा है, जमा के रखा है, भगवान के कपड़े सामान दिया करने का चीज़ें अगरबत्ती और जो भी चीज़ें होती है वो सब इसके अंदर रखा हुआ है, तो वो मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। देन इस कबर्ड में, इस कबर्ड को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर इस तरह से कंटेनर्स हैं जिसके अंदर सामान है, जैसे यहाँ पर ढोकले का पूरा सामान रखा हुआ है, देन यहाँ पर बिस्किट्स हैं, यहाँ पूरे मैगी और नूडल्स का पैकेट है, देन ऊपर आओगे तो मतलब अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड हैं। लास्ट वाले में ये सारे लंच बॉक्सेस हैं एक्चुअली विक्की के, अभी तो ऑफिस जा नहीं रहा है, और ये सब अंदर स्टील के हैं हो सकते हो, ये माइक्रोवेव फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, सब अंदर से स्टील के हैं, मैं आपको एक ओपन करके बताती हूँ। तो ये सब स्टील के होते हैं और माइक्रोवेव फ्रेंडली भी होते हैं, ताकि ऑफिस वगैरह के लिए अच्छा रहता है, खाना गर्म रहता है काफ़ी देर तक। तो ये काफ़ी सारे लेकर के रखे हैं मैंने होम वन स्टॉप, हाँ वन स्टॉप से लेकर के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसे स्टोरेज कंटेनर्स रखे हुए हैं थोड़े बहुत प्लास्टिक के, और यहाँ पर हमारे फूड प्रोसेसर के जो उसके अटैचमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे रखे हैं। तो दैट्स इट फॉर माय वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।